हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शोमिली। वेलकम टू माय चैनल रिव्यू क्वीन। आज मैं अनबॉक्सिंग करूँगी 2020 के सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम है हैंड सैनिटाइजर की। चलिए अब देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। मैंने इसको अमेजोन से ख़रीदा है, आपको इसका बाय लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये बियर्ड रूट का हैंड सैनिटाइजर है, देख लीजिए। ऐसा बॉटल में आएगा, मल्टीपर्पज़ लिक्विड फार्मूला है एंड इसमें 70% इथाइल अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या मिलेगा। और इसमें इसके साथ ये नोजल वाला जो कैप है ये मिलेगा। इसको सेट कर लेते हैं पहले। ये 500 ml का बॉटल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के साथ रिफ्रेशिंग एंड नॉन स्टिकी है। इसका जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि नॉन स्टिकी है एंड ट्रैवल फ्रेंडली है। चलिए इसको अभी देखते हैं कैसा है, सेट कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पे नोजल दिया हुआ है, तो इसको आप मतलब ठीक करने से जो स्प्रे का जो थिकनेस है ठीक कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ है, इसको आप कोई किसी भी जगह पे स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड बेस है। देख लीजिए इसमें कैसा आता है। ओके, खोल लेते हैं पहले नोजल को। देखिए ये स्प्रे का थिकनेस है। अभी इसमें आपको जो इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स है 70% इथाइल अल्कोहल और ग्लिसरीन मिलेगा, टीटी ऑयल और जो नीम है एंड तुलसी एंड फ्रेग्रेंस मिलेगा। एलोवेरा आपको स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा और जो टीटी ऑयल है जो उसमें जो आपको इम्प्योरिटी स्किन पे होता है वो हटाने में रिमूव करेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे यूज़ करना है लिखा हुआ है, पुट प्रोडक्ट ऑन हैंड एंड रब हैंड्स टुगेदर। मतलब जो हम लोगों का जो हैंड सैनिटाइजर के नियम है वो रूल है, ऐसे करके 20 सेकेंड तक उसको यूज़ करना, रब करना है। और अगर किसी आप सरफेस में यूज़ कर रहे हैं तो इसको देख के 20 सेकेंड तक वेट कीजिएगा, कोई भी सरफेस पे अगर यूज़ करें। देखिए और इसका जो नोजल है इसको आप अगर ठीक करेंगे तो उसका आपका इस नोजल का घुमा के आपको डिजायर थिकनेस मिल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ऐसे स्प्रे हो रहा है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है क्योंकि जल्दी सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता जल्दी, तो इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो जितना बोला हुआ है उतना नहीं है। देखिए अभी क्या है, मैंने दूसरा चीज़ पर भी मतलब आप इसको काम चला सकता है, इस काम चला सकता है इससे, ठीक ही है, ट्राई करके देख सकते हैं क्योंकि मल्टीपर्पज़ डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है तो आप कहीं भी इसको सरफेस पे भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ये सूखने में बहुत टाइम लगाता है। देखिए अभी भी यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन अभी तक सूखा नहीं है, ड्राई नहीं हुआ है। चलिए आज का रिव्यू इतना ही तक। इसका मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। एंड अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।